अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मुझे जाने का टाइम आ गया और मैं यहाँ से निकलती हूँ। मुझे गाड़ी आई लेने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से शॉर्ट करके निकलती हूँ क्योंकि कोई आ जाएगा यहाँ पे। मुझे बड़ा डर लगता है। अभी मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगी जो मुझे गाड़ी लेने के लिए आ गई। नाजरीन, ये मुझे घर के पास बिल्कुल गाड़ी आई लेने के लिए, देखें अभी। और ये है मेरा घर, ये देखें, ये आ गई यहाँ पे। ये देखें नाजरीन, ये आई मुझे गाड़ी लेने के लिए। यही मेरा घर है, साइड में ये आई गाड़ी लेने के लिए। ये दूसरी भी गाड़ी साथ में, ये देखें, ये आ गई गाड़ी। ये मैं बैठ गई गाड़ी में और ये यहाँ से हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पे ना साथ में आगे थोड़ा सा निकल के ये आ गया, हमारी दुकानें हैं, हमारी नहीं है, हाँ कोई और है उसकी दुकान है यहाँ पे। और मैंने जो फूल उठाए, सजाद बोलता है इसकी वीडियो बना लो। और आगे ना इस साइड में यहाँ पे कब्रिस्तान है साथ में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये यहाँ पे इस साइड में कब्रिस्तान है और इस साइड में जो है मस्जिद। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे लड़ रहे हैं यहाँ रोड में, कहीं गाड़ी के नीचे आ जाओगे। ये देखो, ये हमारी मस्जिद बनी रही है। बस दुआ करिएगा बहुत जल्द ये बन जाए। और अभी हम यहाँ से चलते हैं। ये देखें किस किस टाइप के यहाँ पे शेड टीन के बनाए हुए हैं। ये लोगों की दुकानें हैं लेकिन यहाँ पे। बस चलते हैं अब आगे। कितना ग्रीन ग्रीन है ना। और रोड ना यहाँ पे ऐसे लिंक रोड टाइप का ही होता है क्योंकि गांव में ऐसे ही रोड सिंगल सिंगल ही दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। ये देखें, देखो नाजरीन कितना प्यारा प्यारा व्यू है। ऐसे पेड़ हों बीच में, डबल ट्रिपल स्टोरी जब मकान हो अच्छा ही लगता है। ये देखें आप। और इस यहाँ पे ना आगे एक मस्जिद आएगी, वो मैं दिखाऊंगी। मुझे बहुत प्यारी लगती है ये मस्जिद, ये देख लीजिए आप, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये मस्जिद। और यहाँ पे इसी मस्जिद के साथ में एक मकान भी, मुझे वो छोटा सा ही मतलब थोड़ा ही दिखेगा, ये वाला मकान बहुत प्यारा लगता है इसकी, मतलब जैसे शेप दी हुई बहुत अच्छा है। और चलते हैं यहाँ से अब। ये देखें, मैं दिखा नहीं पाती हूँ मैं पूरा, थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो ऐसे दिखाऊंगी। ये रेलवे स्टेशन है, संगलदान वाला रेलवे स्टेशन ही नीचे जो आपको मैं दिखा रही हूँ। वहाँ पहुँचते हैं, हम साइड से जाते हैं, दिखा नहीं पाती हूँ। ये हम पहुँच गए अभी कैंठा। ये देखें आप किस टाइप का प्यारा प्यारा व्यू है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। देख लीजिए आप, यहाँ पे दुकानें हैं, ये ना यहाँ पे मदरसा भी है मस्जिद के साथ में। वाह माशाल्लाह कितनी अच्छी मस्जिद है, ये देख लीजिए। अभी चल रहे हैं हम आगे आगे, इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी मैं रामबन, फिर तो आपको रामबन वाली वीडियोस मिलेंगी क्योंकि वो तो ज़्यादा अच्छी होती है ना, ऑन ड्यूटी वाली वीडियोस, बच्चों की वीडियोस बड़ी अच्छी होती है वो। आप लोग ना मेरी वीडियो को उतना लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतने मेहनती से मैं बनाती हूँ। ये देखें एक मदरसा यहाँ पे भी आ गया, ये देखें। अब चलते हैं यहाँ से आगे, आप वीडियो में बने रहेगा, मैं आपको सारा शेयर करूँगी रामबन तक, जितना मुझे हो सकेगा उतना शेयर करूँगी। और ना उसके बाद मुझे ड्यूटी भी जाना है। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हार्ट बना हुआ है, ये देख लीजिए मिट्टी का ये हार्ट बना हुआ है। एरोप्लेन सॉरी हेलीकॉप्टर यहाँ पे बैठता है, सी बोल दिया मैंने। और अभी देख लीजिए ये संगलदान है नीचे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जब वहाँ पहुँचूँगी ना तो दिखा नहीं पाऊँगी मैं। ये देख लीजिए पहुँच गई मैं संगलदान। वो देखो पीछे रेलवे स्टेशन, वो कहाँ दिखेगा, ये दीवारें खाली दिखता है। ये देखें आप, यहाँ से अब शायद ना ही रुके तो अच्छा है, मैं टाइम से ही पहुँच जाऊँगी, तो ड्यूटी का भी टाइम तो हो ही गया है। चलें 1 घंटे का मांगा है उनसे टाइम, तो चले जाऊँगी मैं। शुक्र है आगे की तरफ ही निकल गए हैं हम। ये संगलदान वाला बाज़ार है। और ये देख लीजिए, ये हम पहुँच गए हैं धर्मकुंड। जब मैंने ये पुल क्रॉस किया ना तो वीडियो मुझे भूल गई बनाना, मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ ये यहाँ, इसलिए पुल मैंने क्रॉस किया यहाँ से। और आप देख लीजिए यहाँ पे कितना, मतलब ये दरिया कितना अच्छा है। ये रामबन से ही इधर की तरफ आ रहा है, रामबन से ही इधर की तरफ आता है ये वाला दरिया, ये देख लीजिए। और ये मोड़ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट मोड़ है धर्मकुंड वाले, ये धर्मकुंड की जगह है।
ये देख लीजिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे ना। ये कुछ स्कूल है शायद से, पता नहीं गर्ल्स स्कूल है क्या है, मुझे उतना भी पता नहीं है। रास्ते में आता है यहाँ पे, जब भी मैं जाती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखो असली वाला टाइम तो ये आ गया हमारे लिए। यहाँ पे रोड इतना डैमेज हो गया था ना, कहने की बात नहीं, बहुत ही ख़राब हो गया था ये रोड यहाँ पे। एक शायद 1 से 2 किलोमीटर ये रोड है जो इतना खिसक गया था, और इस चिक्कड़ में ना गाड़ी स्लिप कर रही है। आपको मैं एक बात बता दूँ, पीछे ना 2-3 सवारियाँ उतर गई इस गाड़ी से, इसलिए उतरी क्योंकि स्लिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं उतरी क्योंकि ये मेरा पतेर जैसा भाई है जो गाड़ी चलाता है, तो उनको भी इंसान है। ये देखो ये सामने जो है पुलिस वाला, ये भी उतर गया। क्यों उतरा कि मुझे डर लगता है, उनको डर लगता है भाई, हमें भी जान है, अगर हम गाड़ी से उतर जाएंगे तो गाड़ी में फिर कैसे आगे निकलेगी, वेट होना चाहिए तभी आगे जा पाएगी। ये देख लीजिए कैसा ये रोड है, ये देख लीजिए आप किस टाइप का है ये रोड। खुदाया कैसे हम पहुंचेंगे, शुक्र है अल्लाह का आगे शायद ठीक ही होगा। ये देखें आगे कितना ही चिक्कड़ है, बहुत शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे सूखा हुआ है, ऐसे चिक्कड़ नहीं है, लेकिन है तो यहाँ से भी डैमेज हो गया है सारा का सारा। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह का करम ही है कुछ और ही। खुदाया हम क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो देखो सामने कितना अच्छा है ना बानीहाल वाला रोड, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो नीचे थोड़ा सा दिखता है। ये देखो ये खम्भा भी गिर गया, ये देखो यहाँ पे ये देखो रोड कितना दूर पहुंचा है, और रोड का स्ट्रेट लाइन क्या है जहाँ से हम आ रहे हैं। ये देखो यहाँ कितना दूर पहुंच गया है यहाँ से रोड। जब टीम आई थी ना इतने दूर से, क्या बोलते थे कि इसको नीचे से ना पानी आया है, जो चनाब का जो मैंने पीछे चनाब दिखाया कि जा रहा है, ये वही वाला चनाब है, बोला पीछे से पानी आया है उस वजह से गया है, मेरे को तो नहीं पता। ये देखें ये JCB लगी हुई है यहाँ पे, अगर छोड़ देंगे तो ठीक ही है। थैंक गॉड JCB ने हमें साइड दे दी, अब हम निकालते हैं किसी भी तरह ये गाड़ी। ये तो मेरे भैया बड़े अच्छे हैं, पहुँचा ही देंगे इंशाल्लाह, फिर मैं ड्यूटी जाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखिए ये लगी हुई है मशीन, खुदाया कितना मतलब इतना मुश्किल हो गया था ना, बहुत देर तक ये रोड बंद भी था यहाँ से, लोग इतने मजबूर हो जाते हैं यहाँ पे। ये देखो ना हालात ही क्या हुई है। थैंक गॉड पहुंच गए हैं पक्के वाले रोड पे, अभी हम पहुंच जाएंगे रामबन जल्दी से जल्दी चल के, क्योंकि पहले स्लो स्लो चलती थी गाड़ी, अब तेज़ हो गई। यहाँ पे ना यहाँ पे मेरी दीदी रहते हैं, और अब हम पहुंच गए परनोट, यहाँ से हम जाएंगे सीधा के सीधे। ये आ गया हमारा रामबन, ये देख लीजिए फ्लाईओवर भी कितना प्यारा लगता है यहाँ पे। ये देखें आप, ये आप पहुंच गए हम रामबन पर, रामबन क्या मैत्रा पहुंच गए, मैत्रा से मैं आपको ये सामने दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये देख लीजिए ये कैफेटेरिया वाला रोड आ गया, ये तो हर टाइम चलता ही रहता है, और ये ना एक फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहा है। ये देखें आप बहुत हाइट में जा रहा है ये वाला, बहुत हाइट में जा रहा है, सीधा स्ट्रेट यहाँ से आएगी गाड़ी, जहाँ से अभी मैं चल रही हूँ यहाँ तक। ये देख लीजिए चनाब भी कितना ज़्यादा है, वैसे रिस्की है यहाँ पे चलना इस रोड पे, लेकिन करेंगे क्या, हम लोग मजबूर हैं। ये देख लीजिए ये आ गया हमारा झूला ब्रिज, अब हम इस ब्रिज पे क्रॉस करेंगे। ये देखें डर, मुझे यहाँ पे भी डर लगता है, मजबूरी है क्या कर सकते हैं। ये देखो चनाब कितना ज़्यादा है, ये देखो फ्लाईओवर साथ में है, लेकिन फ्लाईओवर मुझे बड़ा प्यारा लगता है, आई होप कि आप लोगों को भी बहुत प्यारा लगेगा। ये झूला ब्रिज देखें, ये भी अच्छा ही है, लेकिन आवाज़ आती है ना इससे मुझे डर लगता है। ये देखें अभी लोग यहाँ से पैदल भी जा रहे हैं, इतना दूर तो है नहीं ये मैत्रा से रामबन, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। ये देखिए चनाब यहाँ से, खुदाया कितना ज़्यादा है, इस ब्रिज से हम आए अभी क्रॉस की। ये देखो यहाँ पे ना ये जो पिलर है ना यहाँ तक पहुँचता है गर्मियों में पानी, और आगे ना यहाँ पे भी मस्जिद बन रही है। तो थैंक गॉड मैं पहुँच गई रूम में अभी, इतना ज़्यादा दूर लगा ना मुझे, और स्पेशली मुझे मन ख़राब हो रहा था, उतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाई, जो भी देखा आपने सामने थोड़ा थोड़ा ही देख दिखा पाई। और अभी मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, अब मैं ड्यूटी के लिए प्रिपेयर हो जाऊंगी,
और मैं यहाँ पे पहुँच गई आराम से। मैं सोच मैं ब्लॉग एंड करूँगी, अब मुझे ड्यूटी वाला ही ब्लॉग जो है, जो भी वीडियोस आए वो ड्यूटी वाली आ जाएंगी इंशाल्लाह। और जो छोटी छोटी मैं वीडियोस डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पे काम ही ऐसा होता है, उधर टाइम नहीं मिलता है ड्यूटी पे, तो इसलिए अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बाय बाय।